हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अप विद ब्यूटी। दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारा मेकअप करने के बाद अगर आपकी स्किन डल हो जाती है तो कैसे आप होम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अपनी स्किन को और ब्राइटर और लाइटर बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया है जो लगभग हर घर में आपको मिल ही जाती हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेते हैं उसके लिए बेसन। बेसन में ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आपको दही ले लेना है जिससे ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद लेना है उसमें थोड़ा सा नींबू। फिर उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, इसका पल्प लेना है हमें। फिर लेंगे थोड़ा सा टमाटर का पल्प। इसको इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद लेंगे थोड़ा सा तेजपत्ता का पाउडर। इसको घर में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं बॉईल करके। तेजपत्ते को आप पहले खूब बॉईल करिए और फिर जो पानी है उसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, और जो तेजपत्ता बचता है उसे आप ग्राइंड कर लीजिए तो ऐसा थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म हो जाएगा। फिर इसे ऐसे मिलाइए कि इसकी कंसिस्टेंसी आपके फेस पैक जैसी हो जाए। फेस वॉश कर लिया है, कुछ भी अब ऐड नहीं करना है। सीधे ही आपका फेस मास्क है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आपको इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को ये नुकसान नहीं करता है, सबको सूट करने वाला है ये। जरूरी नहीं है अप्लाई करके यूज करो, आप यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा थिन कर देगी तो ये आपकी स्किन को एकदम से टाइट कर देगी जो कि बहुत अच्छा नहीं है आपकी स्किन के लिए। और बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो जल्दी छूटेगा नहीं आपके फेस, क्योंकि बेसन है तो ये अच्छे से पकड़ के रखता है स्किन को। जो कि दही ऐड है, आप अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अनइवन टोन की प्रॉब्लम है, तो दही जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट कर देता है। सूखने के बाद इसको साफ करके फिर आपको कोई सा भी टोनर आपके पास जो भी है वो टोनर यूज़ करना है। धीरे धीरे स्क्रब करते हुए आपको पूरा फेस अपना धो लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना फेस धो लिया है, उसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। आपको यूज़ करना है टोनर। मैं तो गुड वाइब्स का विटामिन सी टोनर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप जो है अगर तेज़पत्ता वाला प्रोसेस आप कर रहे हो तो तेज़पत्ता का जो भी पानी निकला हुआ है आप उसको किसी भी बॉटल में नॉर्मली रख लो, स्प्रे वाले बॉटल में रख लो, या फिर आप उसको किसी भी कंटेनर में उसको रख के आप कॉटन पैड से, कॉटन बॉल से आप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पर। वो बहुत अच्छा ब्राइटनिंग टोनर है, तो आप मतलब डेफिनेटली यू जस्ट गो फॉर इट। तो आपको टोनर यूज़ कर लेना है और 2-3 मिनट रुकना है कि ये आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। टोनर पूरी तरीके से हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे विटामिन सी सीरम गुड वाइब्स का। आप किसी भी कंपनी का विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। मुझे गुड वाइब्स सूट करता है इसलिए मैंने
गुड वाइब्स को पिक किया है हमें। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, एक्चुअली मैं गुड वाइब्स के ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्चुअली वर्क करते हैं। ये पेड वीडियो नहीं है, ना ही प्रमोशन है किसी ब्रांड का। सो इट्स डन। मामा अर्थ का लिप ग्लॉस, सॉरी लिप बाम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये DIY यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पर इसका कैसा असर रहा। तब तक के लिए थैंक यू।